हेलो लर्नर्स, हमने जैसे कि अब तक देखा कि जब हम दो डिफरेंट पेरेंट्स पेरेंट वन और पेरेंट टू के बीच में हम क्रॉसिंग कराते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे को एक नई F1 जनरेशन मिलती है। ये जो जनरेशन होती है इसमें दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं। इस जनरेशन को हम बोलते हैं F1 हाइब्रिड या हाइब्रिड जनरेशन। इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं मेंडल के एग्जाम्पल से। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। तो जो प्योरली टॉल प्लांट था हम उसकी अलील्स को बोल सकते हैं कैपिटल टी, और अगर जो ड्वार्फ प्लांट है उसकी अलील को हम बोलेंगे स्मॉल टी। तो मियोसिस के टाइम पे जो हमारा टॉल प्लांट होगा वो अपना अलील पास करेगा कैपिटल टी, और जो हमारा ड्वार्फ प्लांट है वो अलील पास करेगा स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेटरोजाइगस टॉल। सो फिनोटिपिकली हमारा जो F1 जनरेशन होगा वो होगा हमारा टॉल, जबकि उसका जीनोटाइप में हम कैपिटल टी स्मॉल टी देख सकते हैं वो है हमारा हेटरोजाइगस। जब हम इस हेटरोजाइगस टॉल प्लांट की सेल्फिंग कराएंगे तो हमें मिलेगी F2 जनरेशन, और इस F2 जनरेशन में हमें मिलेंगे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स। हमारे को टॉल प्लांट भी मिलेगा और ड्वार्फ प्लांट से मिलेंगे, और ये टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स का जो रेशियो होगा वो होगा 3:1 का। तो फिनोटिपिकली हमारा ये रेशियो होगा 3:1 का, कि तीन हमारे को टॉल टाइप के प्लांट्स मिलेंगे और एक हमारा उनमें से ड्वार्फ होगा। तो टोटल पॉपुलेशन में से ऐसे ही यही रेशियो पूरी पॉपुलेशन में जाएगा। अगर हम इसको जीनोटिपिकली देखते हैं तो हमारे को तीन टाइप के प्लांट्स मिलेंगे 1:2:1 के रेशियो में। पहला है हमारा कैपिटल टी जो है हमारा होमोजाइगस टॉल। दो हमारे बनते हैं कैपिटल डी स्मॉल टी जो है हमारे हेटरोजाइगस टॉल। वो हेटरोजाइगस है पर फिनोटाइप उसका क्या दिखाई देगा, वो टॉल ही दिखाई देंगे। देन हमारा है ड्वार्फ, पर जो ड्वार्फ है वो होमोजाइगस ड्वार्फ है स्मॉल टी। तो हमारे को 1:2:1 का रेशियो मिलता है। तो F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में जाने में हम क्या देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में हमारे को सारे कैरेक्टर्स शो नहीं हो रहे हैं, केवल हमारा जो कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है वो सिर्फ टॉल प्लांट्स ही हैं सारे। तो एक ही कैरेक्टर आया टॉल वाला, जबकि हम F2 में देखते हैं कि हमारे को टॉल प्लांट्स भी मिल रहे हैं और ड्वार्फ प्लांट्स भी मिल रहे हैं। तो हमारे जो भी दोनों कैरेक्टर्स थे वो दोनों ही रिकवर हो गए किसमें, हमारी F2 जनरेशन में। F2 के बाद जो भी जनरेशन आएगी, जब हम जितना सेल्फिंग कराते जाएंगे तो हमारे को इसी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे। अब ये जो जनरेशन होती है हमारी, जो भी बाकी की आएंगी F2 F3 F4 जितनी भी जनरेशन आती जाएंगी, क्योंकि इनमें हेटरोजाइगोसिटी प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी इनका जो जीन्स है वो जब हमारे सेपरेट होंगे मियोसिस के टाइम, तो अलग अलग जीन्स बनेंगे, दो अलग अलग सेपरेट होंगे, कैपिटल टी अलग सेपरेट होगा स्मॉल टी अलग सेपरेट होगा। अब क्योंकि ये सेपरेट हो रहे हैं तो इस सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। और इसी की वजह से जो भी हमारी F2 F3 F4 जो भी हमारी सेल्फिंग कराते कराते जैसे भी हमारी जनरेशन जो भी बनेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, सेग्रीगेटिंग जनरेशन। अब ये जो हमारी जनरेशन बनती है, सपोज हम F2 लेंगे तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। अब इन सबको रेज करना, उसके लिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा लैंड लेबर कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होता है कि इतनी सारे प्लांट पॉपुलेशन को आप कैसे रेज करेंगे। तो इसीलिए ये ज्यादा डिजायरेबल होता है कि हम नंबर ऑफ क्रॉसेस को बढ़ाएं रादर देन पॉपुलेशन साइज को बढ़ाने के लिए। हर क्रॉस का पॉपुलेशन साइज को ना बढ़ा के हम क्रॉसेस को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ क्रॉसेस को बढ़ाया जा सकता है। तो ब्रीडर्स जनरली 50-100 क्रॉसेस करते हैं। तो जैसे हमने मास सिलेक्शन या प्योरलाइन सिलेक्शन में देखा कि किसी भी वैरायटी को बनने में 7-8 साल लग ही जाते, इसलिए जो ब्रीडर है उसे एडवांस में प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमें जो वैरायटी डेवलप करनी है उसमें हमें क्या कैरेक्टर्स चाहिए। तो जब भी हमारे को कोई ऐसी नीड होती है कि हाँ आगे जाके हो सकता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस ऐसे हो या ये इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो जाए, तो हमारे को एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम को फोकस करना है, किसको हमें एड्रेस करना है, तो उस हिसाब से हमारी जो वैरायटी होगी वो उसी प्रॉब्लम रिलेटेड होगी। तो इसलिए ब्रीडर को पता होना चाहिए कि जहाँ पे हमारे को उस वैरायटी को लगाना है वहाँ पे डिजीज और पेस्ट कैसा है, वहाँ का एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस क्या क्या है, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस फार्मर्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे को कोई इस तरीके की क्रॉप लगाने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हमारा जो ब्रीडर का ऑब्जेक्टिव है वो काफी क्लियर होना चाहिए, और ब्रीडर को पता होना चाहिए कि उसकी प्रेजेंट नीड्स क्या हैं या उसकी फ्यूचर नीड्स क्या हैं और किस तरह की वैरायटी उसे डेवलप करने की जरूरत है। तो उसी के हिसाब से हमारा प्लांट्स का जो पेरेंट प्लांट्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हमारा हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसीजर में
इम्पोर्टेंट होता है कि हमें पता हो कि पेरेंट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है ब्रीडिंग का वो ये है कि ईल्ड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो हम ईल्ड ही देखते हैं कि बहुत हाई ईल्डिंग होना चाहिए पेरेंट। दूसरा जो हमारा पेरेंट होना चाहिए वो जेनेटिकली डाइवर्स होने चाहिए। हमारे ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग का यही ऑब्जेक्टिव था कि हम जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स होने, हमें उनको जिस एरिया में ग्रो करना है वो पेरेंट्स उस एरिया के लिए बहुत अच्छे से अडेप्टेड होने चाहिए। अब अगर हमें नहीं पता किसी पेरेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है तो हमें ज़रूरी होता है कि हम उसके जो परफॉर्मेंस है उसे इवेलुएट करें। पेरेंट्स की परफॉर्मेंस हमें पता होनी चाहिए कि कैसी है। अगर कोई नया स्ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम तो उसको चेक करना चाहिए कि कोई उसमें मैकेनिकल मिक्सचर तो नहीं आ रहा है। अगर 5% से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन शो कर रही है क्रॉप स्पीसीज तो चेक करना चाहिए कि वो हेटरोजाइगस है या नहीं, और अगर वो हेटरोजाइगस है तो एक दो जनरेशन तक उसे सेल्फ पॉलिनेट करा देना चाहिए। देन थर्ड स्टेप हो जाता है हमारा इमैस्कुलेशन। अब क्योंकि हमने पेरेंट्स सेलेक्ट किए हैं, इन पेरेंट्स के बीच में हमारे को फर्टिलाइजेशन कराना है, तो पॉलिनेशन ऐसा ना हो कि वो आपस में हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे फ्लावर से। उससे क्या होगा कि केवल क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है मेल पार्ट को, फ्लावर के मेल पार्ट को, स्टेमन या एंथर या हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको अगर हम हटा रहे हैं किसी तरह से तो हम उसे क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। काफी तरह से किया जा सकता है इमैस्कुलेशन। अगर फ्लावर्स हमारे काफी बड़े हैं, स्टेमन एंथर इजीली हम उनको हैंड इमैस्कुलेशन से भी रिमूव कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ में आ रहा है फ्लावर तो हम आराम से उसे निकाल सकते हैं फोरसेप्स की हेल्प से। अगर हमारे फ्लावर्स छोटे हैं तो छोटे फ्लावर्स में से हैंड इमैस्कुलेशन नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, उसमें सक्शन मेथड यूज करते हैं। तो उसमें हम एंथर्स को सक कर लिया जाए। इन केस ऑफ सॉर्गम या राइस के केस में भी कई बार हम यूज करते हैं हॉट वाटर इमैस्कुलेशन। हम तो इस तरह से भी हम पोलन ग्रेन्स को खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह से हम अल्कोहल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पोलन ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम और चाहें तो हम जेनेटिकली इमैस्कुलेट भी कर सकते हैं, लाइक हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को भी यूज कर सकते हैं इमैस्कुलेशन। अगर हमारे प्लांट ही स्टेराइल हो जाएगा, मेल स्टेराइल हो जाएगा, तो फिर वो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो दीज आर ऑल द प्रोसीजर्स जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इमैस्कुलेशन। अब हमने इमैस्कुलेशन तो कर लिया, पर अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं होगा पर किसी अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज से हमारे पोलन्स आ सकते हैं और रैंडमली पॉलिनेशन हो जाए। तो इस चीज को, इस रैंडम पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम बैगिंग कर देते हैं। पेपर, बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर से हम बैगिंग कर देते हैं फ्लावर्स की या इनफ्लोरेसेंस की, ताकि हमारा किसी भी तरीके का रैंडम क्रॉस पॉलिनेशन ना। और उन बैग्स को टैग कर दिया जाता है। उन टैग्स में हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं डेट क्या थी मैस्कुलेशन की, पॉलिनेशन की डेट क्या है, और फीमेल और मेल प्लांट्स जो है उनके नाम क्या क्या है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसमें क्या किया जाता है कि जो भी हमारे मेल पेरेंट है उसके एंथर्स को डिहाइज करके फीमेल पेरेंट के स्टिग्मा पर डस्ट किया जाता है। वो भी हम काफी तरह से कर सकते हैं कि हम पोलन ग्रेन्स को बैग में कलेक्ट करें और फिर उसे स्टिग्मा पे डस्ट कर दें, या फिर हम जो मेच्योर एंथर्स हैं उनको कलेक्ट करके उनका जो पोलन है उसको लिबरेट करके और हेयर ब्रश या पेपर के किसी की भी मदद से हम स्टिग्मा पे अप्लाई कर दें। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे राइस या वीट में करते हैं, इवन बार्ले में भी, कि एंथर्स को कलेक्ट करा और उन्हें डायरेक्टली स्टिग्मा पे बर्स्ट होने के लिए अलाउ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्टली हमारे जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम काफी मेथड्स यूज कर सकते हैं पॉलिनेशन के लिए भी। और जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या होता है कि हमारे जो पॉड्स होते हैं जो जिनकी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम उन पॉड्स को हार्वेस्ट करते हैं, बाद में थ्रेश करते हैं, और जो सीड्स बनते हैं बाद में उनको हम ड्राई करके प्रॉपरली स्टोर कर लेते हैं। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे जो सीड्स हैं वो उनके अपने टैग्स के साथ बिल्कुल अच्छे से इंटैक्ट रहें और कोई कंफ्यूजन ना हो कभी। सो ये हमारा प्रोसीजर था हाइब्रिडाइजेशन का।